गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून मैम, लुक इन फ्रंट एवरीवन, सभी लोग इधर देखेंगे, यहाँ पे देखिए सामान कैसे अव्यवस्थित पड़ा है, देख रहे हो सभी लोग? यस मैम। कुछ भी व्यवस्थित जमा हुआ है क्या? नहीं मैम, अव्यवस्थित फैला हुआ है। अब इधर देखिए आप लोग, वही सामान इधर देखिए, इधर ये देखिए कितना व्यवस्थित रखे है कपड़े, है ना, इसमें व्यवस्थित कपड़े रखे हुए हैं। हाँ। और यहाँ पे सारे कपड़े फेंके हुए, देखो ये फेंके यहाँ पे, ये देखो ये कपड़े पड़े, ये पड़े, ये पड़े, ये शूज यहाँ पर आए, स्वीप पड़ी है, ये बैग इधर पड़े, ये अपना ब्लेजर यहाँ पड़ा है ना, सब चीज अव्यवस्थित है। यहाँ पे देखिए टेबल पे सारी नोटबुक जमी हुई है, ये जमा हुआ है करीने से, मोबाइल रखा हुआ है। आप लोग अब इस बात से ये समझेंगे कि हम घर में रहते हैं तो हम ऐसे सामान फेंकते हैं क्या? नहीं मैम। फेंकते हो? नहीं मैम। लेकिन आप लोग जब डेली पेंसिल शॉप करते हो तो रोज बेंच के नीचे डाल देते हो, ये डस्टबिन है तो आते ही नहीं हो डालने के लिए, रोज इतनी मुश्किल से कचरा निकालना पड़ता है हमको मेहनत करके। तो आप लोग को अब क्या करना है, कौन सी चीज अच्छी लगी, व्यवस्थित वाली अच्छी लगी कि फैली वाली अच्छी लगी? व्यवस्थित वाली। तो अब आप लोगों के लिए मैंने ये देखिए ये डस्टबिन बना दिए छोटे छोटे, है ना। अब आप लोगों को बेंच के नीचे पेंसिल शॉप करके नहीं फेंकना है, कहाँ फेंकना है? डस्टबिन के अंदर पेंसिल शॉप करना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अपने पास में यहाँ पे दो डस्टबिन रखे हैं, एक सूखे कचरे के लिए है और एक ये गीले कचरे के लिए, है ना, दो डस्टबिन है। तो हमको सूखा कचरा जो भी है, जैसे हमने पेंसिल शॉप किया, जैसे हमने गार्बेज, हाँ आप लोग नोटबुक वगैरह फाड़ते हो, उसके पेज फाड़ते हो, उनको सबको कहाँ डालना है? इसके अंदर सूखे कचरे में। और गीला कचरा कहाँ डालना है? ये छोटे से डस्टबिन के नीचे, एक बड़ा सा डस्टबिन रखा है, इसके अंदर गीला कचरा डालना है ना। अभी बात समझ में? यस मैम। ओके, तो अब आप लोग याद रखना कि हमको कौन सा कचरा कहाँ डालना है, याद हो गया? और मोहल्ला करते करते हो स्वच्छता के।